हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सर हेयर। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है a³ + 8ac + b³ + 12a²b + 6ab² अब आपको यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा। मैं पहले उस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। या आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab a + b। यही आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन में यूज़ होगी। अब अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखूँ, जैसे कि ये तो चलिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अगर मैं इसका 3ab का इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूँ a और b के साथ, तो क्या होगा, a³ + b³ + 3a a² हो जाएगा, और b तो एज इट इज़। फिर 3ab का मल्टीप्लाई b के साथ एक बार, तो 3a और b इंटू बी बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये भी आपका सही है, आपका ये भी सही है, दोनों ही सही है। अब बात आती है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये सेकंड वाली लाइन अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई हो रही है, आप जरा कंपेयर करिए, 8a³ a³ b³ b³ 12a²b 3a²b + 6ab² 3ab² हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशेंट मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल ये मैच हो रही है। अब आपको यहाँ पे इससे कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, आप इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखिए, इन सबको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखिए। कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको 8a³ की बात करूँ, तो यहाँ पर 8a³ मतलब 2a का क्यूब, हम सब जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है, और a³ तो a³ रहेगा, प्लस b³ प्लस अब 12a²b को ब्रेक करना है। तो उसके लिए वापस से आपको अपनी आइडेंटिटी पे बढ़ना होगा, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने लिखा था 3a²b, आप इस पर फोकस करिए। 3 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूले में ही गिवन है। a कहाँ से आएगा, आप यहाँ से कंपेयर करिए, या फिर आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं a³ और b³ को इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, a की वैल्यू आपको मिलेगी 2a और b की वैल्यू आपको मिलेगी b। आप यहाँ से कंपेयर करिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं a³ 2a³ b³ ये। अब आपको यहीं पर इस वाले में फॉर्मूले पुट करिए, a² यहाँ पे देखिए a² की वैल्यू 2a थी, तो ये हो जाएगा 2a² b की वैल्यू b, या आपने 3a²b, अब आप यही यहाँ पे पुट कर दिए सिंपली, तो a की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। अब आप जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 × 2 × 4a² × b, तो ये आपका क्या आएगा, 12a²b। तो देखिए ये आ गया ना आपका, जो यहाँ पर ही है देखिए ये और ये, तो इसलिए इसको यहाँ पे ब्रेक करके हम ऐसे लिखेंगे 3 × 2a² × b। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको फर्स्ट टाइम में, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे बढ़िए 6ab² पे, अब आप इस पर फोकस करिए, इस वाली लाइन पे। अब आप इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो कोफिशेंट है, इंटू a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b, यहाँ मैंने साइड में लिख दी है दोनों वैल्यूज़, आपको आसानी होगी। तो आप इसी तरह से इसको ब्रेक करके यहाँ लिख दीजिए, 3 × 2a × b² अब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब आपने इस फॉर्म में इसको ब्रेक किया है, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये सेकंड फॉर्म, देखिए मैंने आपको बताया ना इस फॉर्म में ही हम लोग ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म को ब्रेक कर दिए। ये फॉर्म किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है a+b³। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारी यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आई थी, देखिए यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमारी आई थी 2a, b की वैल्यू आई थी b, तो हम लोग इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 2a+b³ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आप ही देखिए इस लाइन का फॉर्मूला था a+b³। तो वही मैंने किया, a की वैल्यू थी 2a जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ पे और b की वैल्यू b थी तो मैंने यहाँ पुट कर दी। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक करके फैक्टराइज करके दिखाएंगे। हाँ ये हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम है इसलिए, लेकिन आप इस लेक्चर को बार बार देखिए तो इससे आपको क्लियर होगा। इस और अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स में आंसर ये होता है, कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिख दिया जाता है 2a+b 2a+b और 2a+b, तीन बार लिख दिया जाता है इस तरह से। तो ये भी आपका सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों बात बराबर, यहाँ क्यूब और यहाँ मल्टीप्लाई करके भी आपका क्यूब होने वाला है, तो ये दोनों ही बात सही है। आप जैसा चाहे अपनी मर्जी से आप वैसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, और आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी थी आपके सामने a+b³।
इस आइडेंटिटी को दोनों याद रखिएगा, दोनों सेम सिमिलर ही है, बस 3ab का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a²b प्लस 6ab². तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले इस आइडेंटिटी को बार बार लिखना चाहता हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। जैसे कि आइडेंटिटी हमारी वही यूज़ होगी बिल्कुल जो आइडेंटिटी थी, क्या यूज़ होगी, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप इसको कैसे और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 3ab का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में भी आपको बताया था, मैं यहाँ दोबारा बताना चाहता हूँ, ए स्क्वायर बी प्लस 3ab का मल्टीप्लाई b में होगा तो 3ab इंटू बी बी स्क्वायर। तो आपके ये भी सही है और ये भी सही है। अब आती है इसको ब्रेक करना है। सबसे पहले 8a³ और bq, इन सबको हमें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे तो वह मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि 8a³ अभी भी प्रीवियस पार्ट में भी सिमिलर थी, था अलग अलग, तो 8 मतलब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, तो 2a³ ये आपने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। b की बात हुई तो बी क्यूब माइनस 12a²b, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए वापस से मैं आइडेंटिटी पे आओ, ये कौन सी फॉर्म है, a²b, तो a²b हमारे पास ये रहा। अब आपको इस पर फोकस करना है, कैसे करेंगे, यहाँ से पहले आप कंपेयर कर लीजिए, इस तरह से थोड़ा आसानी होगा, ए क्यूब और 2a³ इसको कंपेयर करिए, बी क्यू और बी, तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, मैं वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, ए की वैल्यू आपको मिलेगी 2a, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, और बी की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस बी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, साइन के साथ आपको लेना है, साइन के साथ इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था और इधर अंदर माइनस होना चाहिए था, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। अब आपने साइन के साथ इसकी वैल्यू ले ली, अब आपने कंपेयर भी कर दिया, 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ए स्क्वायर ए की वैल्यू 2a है, तो 2a² इंटू बी की वैल्यू माइनस बी, ये आपने ब्रेक कर दिया। अब आप इसको सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये प्लस 3 इंटू 2a² इंटू माइनस बी, 3 इंटू 2a² इंटू माइनस बी। अब आप किस पे आएंगे, 6ab² पे, तो यहाँ पर आपका है इसको, अब आप ये वाली फॉर्म आ गई 3ab² वाली, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 3 तो एज इट इज़ रहेगा ये वाला 3, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल कोफिशेंट है, a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू माइनस बी का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पे, तो मैं पुट कर देता हूँ प्लस 3 इंटू 2a इंटू माइनस बी का स्क्वायर। अब आपने ये जो इतनी जो लेंदी सी लाइन लिखी है, ये पूरी लाइन यही वाली लाइन है, आप देख सकते हैं कंपेयर करेंगे तो यही लाइन है, और इस पूरी लाइन का फॉर्मूला क्या है, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a की वैल्यू थी 2a, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a प्लस b की वैल्यू थी माइनस बी, तो यहाँ पे मैं माइनस बी लिख देता हूँ इस तरह से। अब आप ये क्या हो जाएगा, 2a b बाहर आएगा प्लस माइनस माइनस बी, यहाँ क्यूब है तो ये हो गया क्यूब, तो इस तरह से 2a माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज करके दिखा दिया। आप इसे एक तरह का और लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 3 टाइम्स आप लिख लीजिए क्योंकि पावर इसमें 3 है, 2a माइनस बी, तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आपके फाइनल आंसर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सेकेंड पार्ट को भी इस तरह से क्लियर करेंगे। हाँ, ये आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और चलिए थर्ड पार्ट बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट आपका है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a². यहाँ पे इसको भी आपको फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आइडेंटिटी लिखना चाहूँगा। ये तो आपका स्टेप वन है, आप इसे रफ में अपना लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में वही आंसर शीट में लिख के आ जाए, आप रफ में अपना देखिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, सब में यही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, प्रीवियस में भी कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत अप्लाई हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, मैं इस आइडेंटिटी को बार बार हर सॉल्यूशन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ ये आइडेंटिटी आपको इसी लेक्चर के टाइम पे याद हो जाए, आपको अलग से बैठ के याद ना करना पड़े। अब यहाँ पे इसका दूसरा तरीका था 3ab का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए क्यूब एज इट इज़, बी क्यूब एज इट इज़ प्लस 3ab का मल्टीप्लाई a से, तो 3a का मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर और b प्लस 3ab²
अब यहाँ पे आपको इसी को ब्रेक करना है और इस लाइन की फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलिए लाते हैं, कैसे लाएंगे हम यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, माइनस 125 ये आपका 5 का क्यूब होता है, साथ में ए भी लगा है तो ए का क्यूब, प्लस ये माइनस इस तरह से। इसके बाद हमारे पास अब 135 ए को ब्रेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पे फोकस करेंगे 3a² b पे, ठीक है। अब आपको कैसे करना है इसको ब्रेक, मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3 as it is into, अब आप इसको ऐसे कंपेयर करिए, यहाँ पे ए क्यूब को कंपेयर करिए 3 के क्यूब से, तो आपको वैल्यूज मिलेंगे, आप अपने स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं, ए की वैल्यू आपको मिलेगी 3, बी की वैल्यू मिलेगी आपको -5a। याद रखिएगा साइन के साथ आपको लेना है, साइन माइनस तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस। अब आपको यहाँ पे 3 into a की वैल्यू आपको 3 मिली है, तो 3² into b की वैल्यू आपको -5a मिली है, तो 5a। अब आप जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिएगा 135 a ही आ जाएगा। अब आप इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, मैं पुट कर देता हूँ, प्लस 3 into 3² into -5a, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, किसकी, 135 a की। अब आपका लास्ट है 225 का ए स्क्वायर, तो अब इस वैल्यू को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे, इसकी हेल्प से। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे लिखूँगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर यहाँ पे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू -5a का स्क्वायर। अब आप इसी वैल्यू इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, प्लस 3 into 3 into -5a का स्क्वायर। और हाँ, इसमें आप ना जैसे कि आपको या आप जब वैल्यूज लिखें ना, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके वापस से यही आ जाए, जैसे 135a आ जाए, तो आपने सही ब्रेक किया है, तो इसलिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं वहीं पर ही। अब ये लाइन किस फॉर्म में आ गई, इस वाली फॉर्म में आ गई, देख सकते हैं आप, ये वाली फॉर्म में आ गई। और ये वाली लाइन किसके लिए थी, a प्लस बी के होल क्यूब के लिए, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैसे पुट करना है, a प्लस बी का होल क्यूब कहा गया है, तो a की वैल्यू आपकी 3 थी, b की वैल्यू 5a थी, -5a, और पूरे पे क्या था, होल क्यूब। इसको आप जब 3 प्लस माइनस माइनस 5a को ब्रैकेट में से बाहर निकाल दीजिए क्यूब, तो ये भी आपका आंसर सही है। और दूसरा क्या हो सकता है, इसी को आप 3 टाइम्स लिख दीजिए आपस में, एज अ मल्टीप्लाई शो करके, 3 - 5a, 3 - 5a। तो इस तरह से यहाँ पे आप थर्ड पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा टिपिकल सा लगा होगा, तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इस लेक्चर को बार बार देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स में नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसे यहाँ बताऊंगा तो ये क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, और मैं क्लास बिल्कुल बोरिंग रखना चाहता हूँ। अभी आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।